सबसे बड़ी खबर की, आज मुंबई के 96 परिवार बेघर हो जाएंगे। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के आज शाम 5 बजे तक इन सभी लोगों को अपने फ्लैट की चाबी बीएमसी को सौंपनी होगी। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन उन्हें वहां से भी निराशा हाथ लगी। हालात फिलहाल यही है कि लोग घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। लगातार अलग अलग तरीके से सरकार से संवाद स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो परिणाम वो सिफर दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी पैदाइश इसी फ्लैट में हुई, यहीं पे पले बढ़े हैं और अभी इन्हें घर छोड़ के जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कभी सोचा था कि ये घर छोड़ना भी पड़ सकता है? ये कभी किसी भारतवासी ने सोचा नहीं हो सकता कि ये भारत में ऐसा हो सकता है, तो हमने भी कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप देखें तो ये मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमें बताया गया था कि शुरुआत में जब मेरे माता पिता को कि ये बिल्डिंग इलीगल है या अनऑथोराइज किया हुआ, क्या वो ये बिल्डिंग में फ्लैट लिए होंगे? ऐसा नहीं। अगर हमें ये ब्लेम क्यों ठहराया जा रहा है, ये बिल्डर की गलती है, बीएमसी की गलती है कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन होने दिया है, तो उनको क्यों उन्हें कुछ बोल रहा है? अभी यहाँ पर आप इतने साल रहे, काफी दोस्त यार यहाँ पे बने होंगे, काफी भावनात्मक तरीके से आप यहाँ पे जुड़ी होंगी, अभी छोड़ना कितना मुश्किल है यहाँ पे? जी ये मेरे बचपन के दोस्त है, आप उनसे पूछिए। हम छोटे खेलते थे, मेरी बहन इधर है, उनके बड़े भाई, हम सब एक, मेरे कजिन भी यहाँ रहते हैं, पूरी ऐसा मतलब परिवार जैसा हमारा ये दोस्ती बन एक ही मतलब, बहुत दुख की बात है। आप बताइए, एक छोड़ने की जो है वो की नौबत आ रही है घर को, कभी सोचा था इस तरीके से कि जब आप बड़े हो रहे थे कि अपना घर उसको छोड़ने पे मजबूर होना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। हम लोग इधर इतने मिलजुल के रहे हैं, हम अभी लगता है कि हम किधर जाएंगे, हम नीचे टेंट सड़क से चल रहे हैं, घर में माता परेशान रह रहे होंगे, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, मेरा भी परीक्षा था, इनकी परीक्षा थी, और बहुत प्रेशर है हम लोग पे, इतना टेंशन हम लोग बच्चे पे, हम लोग का फ्यूचर क्या है हमको दिख रहा नहीं है, वो भी इंडिया में, मेरे को कुछ फ्यूचर दिख रहा नहीं है। जाहिर है बीएमसी और बिल्डर की गलती का खामियाजा जब इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, तो इसी तरह की बातें ये कहेंगे। उधर